इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा किसी टैक्सपेयर का ऑडिट किया जाता है तो कौन कौन से रिकॉर्ड और रजिस्टर चेक किए जाएंगे। taxheal.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 65 दिया गया है जो कि यह कहता है कि कमिश्नर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसी भी व्यक्ति का ऑडिट करवा सकता है। यदि ऑडिट किया जाता है तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट और रजिस्टर चेक किए जाएंगे, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी कि यदि जीएसटी ऑफिसर ऑडिट करता है और टैक्सपेयर गुड्स की सप्लाई करता है तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट और रजिस्टर चेक किए जाएंगे। इस वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्विसेज के केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कौन कौन से रिकॉर्ड और रजिस्टर चेक किए जाएंगे। यदि टैक्सपेयर के द्वारा सर्विसेज की सप्लाई की जाती है और उसका ऑडिट टैक्स अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर सबसे पहले मार्केटिंग या सेल डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड चेक करेगा, परचेज ऑर्डर एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स आउटवर्ड सप्लाई बुक, इसके साथ ही स्टोर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड चेक करेगा, स्टोर लेजर जो वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर, उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड रिकॉर्ड चेक करेगा, लेजर्स डेबिट नोट क्रेडिट नोट जर्नल वाउचर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स परचेज बुक परचेज रिटर्न बुक इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स। सबसे पहले जीएसटी ऑफिसर के द्वारा मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट के अंतर्गत परचेज ऑर्डर एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक किए जाएंगे, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्राइस और दूसरी कंडीशन होती हैं परचेज और सेल के लिए गुड्स और सर्विसेज के केस में। इस केस में जीएसटी ऑफिसर यह चेक करेगा कि परचेज ऑर्डर में प्राइस रिवीजन किस प्रकार दिया गया है, यदि मटेरियल या फिर कंपोनेंट कस्टमर के द्वारा सप्लाई किया जाता है या इरेक्शन कमिशनिंग चार्जेस बियर किए जाते हैं तो उस केस में परचेज ऑर्डर में क्या कंडीशन दी गई है, जो टोटल प्राइस परचेज ऑर्डर में चार्ज किया गया है उसे जीएसटी की इनवॉइस से कंपेयर किया जाएगा। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि क्या जीएसटी की इनवॉइस फुल अमाउंट के लिए रेज की गई है एज़ पर परचेज ऑर्डर एग्रीमेंट या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टैक्स स्ट्रक्चर को भी देखा जाएगा जो परचेज ऑर्डर में दिया गया है और उसे इनवाइसेस के साथ कंपेयर किया जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि यूनिट सेपरेट कमर्शियल इनवाइस रेज करे, इसके लिए इनवाइस को चेक किया जाएगा, बेस प्राइस चेक किया जाएगा, टैक्सी चार्ज किए गए हैं वो चेक किए जाएंगे। दूसरा रिकॉर्ड जो जीएसटी ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट में वो है सेल्स एंड आउटवर्ड सप्लाई बुक। यहाँ पे सभी जो सर्विसेज हैं वो नॉर्मली में रिकॉर्ड की जाती हैं, इसलिए सबसे पहले इनवॉइस नंबर चेक किए जाएंगे कि वो सीरियली नंबर्ड हैं और यदि कोई नंबर मिसिंग है तो उसके रीज़न को एग्जामिन किया जाएगा। इसके अलावा कितनी सीरीज जो यूज़ की गई हैं सेल इनवॉइसेस के लिए वो चेक किया जाएगा और क्या कमर्शियल इनवॉइस के लिए अलग से सीरीज यूज़ की गई है उसे देखा जाएगा। यदि डेबिट नोट जनरल वाउचर भी सेल रजिस्टर के थ्रू पास किए गए हैं तो जो एडिशनल कंसीडरेशन कलेक्ट किया गया है क्या उसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया गया है ये चेक किया जाएगा। सेल रजिस्टर में नॉर्मली जीएसटी अलग से शो होता है, जहाँ पे जीएसटी पे नहीं किया गया है वहाँ पे रीज़न आइडेंटिफाई किए जाएंगे जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे, स्टोर डिपार्टमेंट में सबसे पहले स्टोर लेजर को चेक किया जाएगा जिसमें कि इनपुट की डिटेल या कंज्यूमेबल जो रिसीव किए गए हैं उसकी डिटेल होती है। उसके बाद ये जो मटेरियल है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस होता है। यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट है वो चेक किया जाएगा, ऑब्सोलीट आइटम कितनी है, स्लो मूविंग आइटम कितनी है, कितनी आइटम को राइट ऑफ कर दिया गया है। आज के टाइम में ज़्यादातर कंपनी यह रिकॉर्ड कंप्यूटर पर मेंटेन करती हैं, इसलिए कोडिंग सिस्टम को चेक किया जाएगा रिसीट के इशू के स्टॉक वेरिफिकेशन के वैल्यूएशन के और जो इनपुट क्लियर किया गया है एज ऑब्सोलीट आइटम। इसके अलावा जिस परचेजेस पर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया गया है उसे स्टोर रिकॉर्ड के साथ कंपेयर किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे आइटम को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि राइट ऑफ कर दी गई है ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस। इसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर या फिर जो वर्क रजिस्टर को चेक किया जाएगा, जिसमें कि जो काम सब कॉन्ट्रैक्ट किया गया है आउट ऑफ द कंपनी वो मेंशन किया होता है। इस केस में देखा जाएगा कि क्या जो वर्कर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर ने जीएसटी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया है, वैल्यूएशन किस प्रकार की गई है गुड्स और सर्विसेज की, और क्या जो आइटम फ्रीली सप्लाई की गई हैं क्या उसे वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है जीएसटी चार्ज करने के लिए। उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट्स
लिटरेट रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। सबसे पहले लेजर चेक किए जाएंगे। लेजर नॉर्मली तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है डेटर लेजर, जिसमें कि सभी डेटर का बैलेंस होता है जो ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ की गई हैं। यहाँ पे सेल इनवॉइस रिकॉर्ड की जाती हैं, डेबिट नोट जो कस्टमर को इशू किए गए हैं और जो कस्टमर से पेमेंट रिसीव की गई है वो इस लेजर में होती है। इस लेजर की वेरिफिकेशन करते हुए मेजर कस्टमर जो हैं वो चेक किए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि कौन किन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रिकॉर्डिंग की गई है सेल्स की। यदि इस लेजर में डेबिट नोट या फिर जनरल वाउचर एंटर किए गए हैं तो ये फाइंड आउट किया जाएगा कि कस्टमर से जो रिकवरी की गई है उसके कारण क्या थे और क्या उसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया गया है। यदि कस्टमर से एडवांस रिसीव किए गए हैं तो इसमें क्रेडिट बैलेंस जो है वो शो होगा, जिसे कि जीएसटी ऑफिसर चेक करेगा। उसके बाद जीएसटी ऑफिसर के द्वारा क्रेडिटर लेजर चेक किया जाएगा, जिसमें के जो परचेज इनवाइसेस होती हैं डेबिट नोट या फिर जनरल वाउचर उसके बेसिस पर एंट्री की जाती है। जब परचेज को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर मटेरियल शॉर्ट रिसीव होता है तो उस केस में डेबिट नोट या फिर जनरल वाउचर के थ्रू एंट्री की जाती है। इसलिए यहाँ पे इनके रीज़न को आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या परचेजेस पर इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया गया है। उसके बाद अगला लेजर जनरल लेजर है, जिसमें के सभी प्रकार के एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये लेजर टैक्स ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेल किया गया है, किस एक्सपेंडिचर के ऊपर अवेल किया गया है ये चेक किया जा सकता है और वैल्यूएशन किस प्रकार की गई है गुड्स या फिर सर्विसेज की वो चेक किया जा सकता है। जनरल लेजर में नॉर्मली 500 अकाउंट होते हैं नॉर्मल साइज़ की कंपनी में, इसलिए कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाएंगे। जनरल रूल यह होगा कि एक्सपेंस अकाउंट में यदि क्रेडिट एंट्रीज आ रही हैं तो उसे चेक किया जाएगा, इनकम अकाउंट डिटेल में चेक किए जाएंगे, यदि कोई अनयूजुअल अकाउंट है जैसे कि सस्पेंस अकाउंट है तो उसे चेक किया जाएगा। इस केस में जीएसटी ऑफिसर सभी जरूरी इनपुट परचेज और इनवर्ट सप्लाई के अकाउंट को वेरीफाई करेगा और ये फाइंड आउट करेगा कि क्या रॉ मटेरियल को रिजेक्ट किया गया है या फिर शॉर्ट रिसीव किया गया है और क्या उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया गया है। इसके अलावा यदि एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई रिकवरी डाली गई है, जैसे कि पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट चार्जेस अकाउंट, सेल एक्सपेंस अकाउंट, उन्हें स्क्रूटनाइज किया जाएगा और कस्टमर से यदि रिकवरी की गई है तो उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस से इनकम अकाउंट को देख लिया जाएगा और उनकी जो एग्जैक्ट नेचर है इनकम अकाउंट की वो स्टडी की जाएगी। कुछ अकाउंट का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पर और जीएसटी की लाइबिलिटी पर, इसलिए इसे डिटेल में स्टडी किया जाएगा। यदि अनयूजुअल अकाउंट नोटिस किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस की स्टडी करते हुए तो उन्हें जीएसटी ऑफिसर के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाएगा और उनकी एग्जैक्ट नेचर को डिटरमिन किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि क्या प्लांट एंड मशीनरी में कोई एडिशन हुई है या फिर डिस्पोज ऑफ किया गया है की गई है। यदि डिस्पोज ऑफ की गई है तो क्या आपने अप्रोप्रिएट जीएसटी पे कर दिया है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का क्लेम वेरीफाई किया जाएगा कैपिटल गुड्स पर और ये देखा जाएगा कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न में आपने सही से डेप्रिसिएशन क्लेम किया है। इसके साथ ही इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को भी चेक किया जाएगा। इसके बाद डेबिट नोट स्टडी किए जाएंगे जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। डेबिट नोट का मतलब है कि जिस व्यक्ति को यह डेबिट नोट इशू किए गए हैं उसे एडिशनल अमाउंट को पे करना है उस व्यक्ति को जिसने के डेबिट नोट इशू किए हैं। यहाँ पे डेबिट नोट को इशू करने के रीज़न को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जैसे कि क्या गुड्स परचेज जो हैं वो रिटर्न कर दी गई थी या कम रिसीव हुई हैं या फिर आउटवर्ड सप्लाई के रेट इंक्रीज किए गए हैं इट एक्स्ट्रा। इसके अलावा कई केसेस में जो वर्कर भी डेबिट नोट रेज कर सकता है यदि उसका अपना मटेरियल यूज़ हुआ है। इसके अलावा यदि जो वर्कर ने स्क्रैप को अपने पास रख लिया है तो उस केस में प्रिंसिपल डेबिट नोट को इशू करता है जो वर्कर को। इस केस में सभी डेबिट नोट को स्टडी किया जाएगा और उन्हें क्यों इशू किया गया है इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। यदि एडिशनल रिकवरी की गई है या फिर रिजेक्शन हुई है, शॉर्ट रिसीव हुई है इनपुट की, उसे भी नोटिस किया जाएगा। उसके बाद क्रेडिट नोट को स्टडी किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। क्रेडिट नोट में स्टेटमेंट होती है जिसमें के व्यक्ति का अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है और उसके रीज़न मेंशन किए जाते हैं। क्रेडिट नोट कई रीज़न से इशू किया जा सकता है, जैसे कि यदि कस्टमर ने सेल को रिटर्न कर दिया है तो उस केस में क्रेडिट नोट इशू किए जाते हैं। उसके बाद जनरल वाउचर को स्टडी किया जाएगा। जनरल वाउचर का डायरेक्ट फाइनेंशियल डीलिंग से रिलेशन नहीं होता है, जैसे कि
किसी महीने में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया है उसकी अकाउंटिंग एंट्री को पास करने के लिए, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए, या फिर रॉयल्टी पर पेमेंट की प्रोविज़न करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एडजस्टमेंट ईयर एंड या फिर हाफ ईयर एंड पे की जाती हैं, इसलिए सभी जनरल वाउचर को स्टडी किया जाएगा। हर जनरल वाउचर में जो नरेशन दी गई है उसे देखा जाएगा और जो नेचर है उसकी उसे स्टडी किया जाएगा। कई बार तो जनरल वाउचर से अकाउंटिंग सिस्टम का ही पता लगता है। कंपनी कॉस्ट सेंटर वाइज जो है कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल की कंजम्पशन बुक कर सकती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। इस प्रकार यदि जनरल वाउचर को देखा जाए तो उससे पता लग जाएगा कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपनी ने गलत क्लेम किया है हर महीने। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो भी पास की जाती है जनरल वाउचर के द्वारा, एक अकाउंट से बैलेंस को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि रिकवरी ऑफ पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस को पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है जनरल वाउचर के द्वारा। कई बार एडिशनल कंसिडरेशन को भी जनरल वाउचर के द्वारा पास किया जाता है, जहाँ पे के कस्टमर को सिर्फ लेटर इशू कर दिया जाता है और डेबिट नोट या फिर सेल इनवाइस इशू नहीं की जाती। इसी प्रकार कई वर्क क्वांटिटी जो शॉर्ट रिसीव हुई है या रिजेक्ट की गई है उसे भी जनरल वाउचर के द्वारा एडजस्ट किया जाता है, इसलिए डिटेल में इसकी चेकिंग की जाएगी। इसके बाद इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को स्टडी किया जाएगा, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ में डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है और इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। इस केस में सैंपल ऑडिट रिपोर्ट को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि लॉस का इनपुट, एक्सेस इनपुट एज क्रेडिट या फिर एडिशनल कंसिडरेशन कहाँ पर कलेक्ट किया गया है। यदि इंटरनल ऑडिटर ने सिस्टम चेंज के लिए रिक्वेस्ट की है, क्या वो असेसी ने फॉलो किया है, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वीकनेस की वजह से जीएसटी पर कोई इम्प्लीकेशन आता है, वो स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को स्टडी किया जाएगा कि स्टॉक की वेरिफिकेशन किस प्रकार की गई है, क्या उसमें कोई शॉर्टेज आई है, और क्या इनपुट एज क्रेडिट की अवेलेबमेंट को एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद परचेज और इनवर्ट सप्लाई बुक को चेक किया जाएगा, जिसमें कि सभी रॉ मटेरियल की परचेज और दूसरे इनपुट की परचेज रिकॉर्ड होती है। सभी जो मेजर सप्लायर हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, और इसके साथ ही क्या जीएसटी को अलग से शो किया गया है और इसे रिकंसाइल किया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है उसके साथ। परचेज रिटर्न बुक को भी चेक किया जाएगा, जिसमें कि जो गुड्स रिटर्न की गई हैं सप्लायर को उनकी डिटेल दी होती है। इस केस में क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया गया है वो देखा जाएगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को स्टडी किया जाएगा, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा साइन की जाती है और इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अटैच की जाती है। इस केस में जो डेप्रिसिएशन है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया है उसे चेक किया जाएगा, और क्या कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही अवेल किया गया है उसे कंफर्म किया जाएगा। इसके अलावा क्लोज 27A में ये बताया जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेल किया गया है और यूटिलाइज किया गया है, और आउटस्टैंडिंग ITC कितना है इसे भी स्टडी किया जाएगा। क्लोज 35A और 35C में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी के केस में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के केस में रॉ मटेरियल की क्वांटिटेटिव डिटेल बताई जाती है, फिनिश गुड्स बाय प्रोडक्ट का ओपनिंग, परचेजेस, कंजम्पशन, सेल और क्लोजिंग स्टॉक बताई जाती है, फिनिश गुड्स की यील्ड एंड शॉर्टेज और एक्सेस बताई जाती है। इस केस में ऑडिटर इनपुट आउटपुट रेशियो को स्टडी करेगा और रीज़न आइडेंटिफाई करेगा एक्सेस या फिर शॉर्टेज के। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न को स्टडी किया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्सपेयर अपनी कंपटीशन भी लगाता है प्रॉफिट या फिर लॉस की, और उस कंपटीशन में डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट भी लगाता है। इस डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट को स्टडी किया जाएगा कि क्या डेप्रिसिएशन को इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्लूड करके क्लेम किया गया है या फिर एक्सक्लूड करके। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सहील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।